हेलो फ्रेंड, द किलर वांडर शो 2.0 आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली मच अवेटेड सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है। बहुत दिनों से वेट था, टीजर उधर कुछ नहीं आया है, डायरेक्ट ट्रेलर आया है। इसमें जो पोस्टर दिख रहा है दोस्तों, इसमें मल्टी स्टार आ रहा है पूरा। लाइक अजय देवगन तो है जो मेन तो रहेंगे ही, बट उनके साथ जो भी पोस्टर में हमको अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह सबको ही दिख रहे हैं साइड को, और भी कोई लेडीज लोग दिख रहे हैं, दीपिका एडिशन है, तो बहुत लोग दिखेंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से शायद यही वो रीजन हो सकता है जो इतना बड़ा ट्रेलर बनाने का, लाइक अगर एडिटिंग में भी करने के बाद भी दिखाने में भी मैंने 4 मिनट का ट्रेलर है, 5 मिनट काफी सारा लग रहा है, सबका इंट्रो ऐसा कुछ दिखाएंगे हो सकता है, तो मजा आएगा दोस्तों देखने के लिए। रोहित शेट्टी क्या लेके आ रहे हैं, दिवाली रिलीज है 1 नवंबर, मजा आएगा। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, सिंघम अगेन का जो ट्रेलर आया हुआ है ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं, आइए दोस्तों। राम लव लिखा था, ये भी है कुछ होने वाला है हनुमान लंका, अरे उस गिरा है उसका बहुत सारा सीन लग रहा है, फाइटिंग में सीन दे आया कोई उसे कोई अच्छा गुंडा मत समझ सिंगम। ये विलेन है, अर्जुन कपूर वो विलेन है, दिखा रहा था ना शायद विलेन है करके उसमें उस एरिया दया भी है इसका नाम है दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी क्या कर वो अच्छा गुरु जी है शेट्टी उसने क्या लेडी आया रे ये भी ऐड हुआ है, मतलब टाइगर श्रॉफ नहीं था ना पहले, इसका क्या कैरेक्टर है, ऐसी पुलिस ही होगा सर, हाँ पुलिस है। नहीं उसको लक्ष्मण बना दी, उसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम से, ये भी है रवि के पहले भी तो बार कुछ चुके सर, बजरंग बली का नाम लेकर ये ले ये अब सांबा क्या सिंबा सिंबा इस इतना से रिक्रिएट किया ना फिर से तेरी रामायण का रावण हूँ मैं, अगर रखने के लिए नहीं आया ना मैं तो सिंगम असली मराठा में ले मराठा में इसको तो बहुत ही श्रद्धा तिवारी दावा किया वही तो श्रीलंका का काफी फाइटिंग है एक्शन सीन, इस बार रावण जीतेगा, सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती युग की मोहताज नहीं होते हुए वो फिर से निकला है वो कार से याद है उसमें तो आपकी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है कौन कौन आने वाला है कौन कौन जटाई है
सूर्यवंशी ये सब है वहां पे इसको सार भी ऊपर से डर रहा है उसके उड़ना जरूरी है रोहित शेट्टी का जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज इस... बहुत कुछ मिक्स किया ना वही पांच लोग कवर किया पांच लोग है वही पांच लोग है वो भी कितनी लंबी आ रहे दीपिका अच्छा ऑलमोस्ट पांच मिनट का ट्रेलर देखा मेरे को पता नहीं चला एक्चुअली पता नहीं चला बिल्कुल पता नहीं चला मुझे लगा कि और भी दिखा सकते थे ऐसा लगा कम दिखाया और भी दिखाना था मतलब एक तरह से अच्छा लगा भाई अच्छा लगा इसलिए तो और देखने का मन हो रहा है मतलब ऐसे ही गुजर गया रामायण फिर से जैसे दिखा रहे हैं ना उसको ट्राई कर रहे स्टोरी का थीम वही है थीम भी टाइमिंग में जो रिलीज भी हो रहा है वही है दिवाली के टाइम दिवाली के टाइम पूरा दशहरा दिवाली के टाइम जो रिलीज कर रहे हैं सीता को लेके आए अच्छा था इसमें भी मजा आएगा सरप्राइज था जैकी श्रॉफ मुझे अक्षय वो अर्जुन कुमार भी नहीं अर्जुन कपूर मुझे नहीं मालूम था है बोल हम देखे थे कहीं विलेन ने मुझे नहीं मालूम था देखो कैसा काम करता है वो क्योंकि वैसा जबरदस्त विलेन भी बनना पड़ेगा हाँ। अगर ये जो चार चार पांच पांच हीरो लोग को के साथ अगर बनना है तो विलेन भी वैसा दिखाना है स्ट्रांग दिखाना उसका कैरेक्टर को उसका ऐसा रिसोर्सेज भी रहना चाहिए लगे कि सारा रावण जैसा रहना चाहिए कुछ करेक्ट लेकिन मजा आया इतना लगता दया इसमें दरवाजा तोड़ो उसका लिया है तो कुछ तो दरवाजा वो लोग शायद ये जो सीआईडी नहीं नहीं कॉपी नहीं इवन हाँ एक जो ओटीटी पे है ना उस सिद्धार्थ का रोहित शेट्टी का ही था ना वो भी उसमें थे शायद वो लोग अच्छा, वो और इवन श्वेता तिवारी जो दिखी वो लोग भी तो उसी से सब आए सब मिला के वो सब भी मिला है उसमें अच्छा है अरे मैं कहीं पे पढ़ रहा था क्या पता कैसे इसमें चुलबुल पांडे भी आएगा वो तो नहीं दिखा मुझे ऐसा लगा कि कहीं शायद आने वाला है बोल के क्या पता सरप्राइज रखे सरप्राइज होगा हम बात के लिए अभी हाँ सही है इतने लोगों को तो वैसे ही दिखा दिया वहीं के टाइगर श्रॉफ भी नहीं आया एंड ये लोग को दिखाना अलग होता है पहले से पता है ना पहले करके वो आने से एक अलग सरप्राइज हो जाता है प्लस सलमान खान लेकिन ये तो है कि फिर से काफी सारा जो पुराना सिंघम का सीन सब देखने मिलेगा जो इसका डायलॉग अलग है जो सिंघम अपना बाजीराव बोलता है दो चार वो सीन सब है एक वो फिर से जो हमेशा कार से निकलता है स्कॉर्पियो से निकलता है इसमें शायद इनोवा या कुछ था उसमें से निकलेगा और फिर महाराष्ट्र का काफी सारा होगा शिवाजी जी का रेफरेंस अच्छा था मुझे लगता है काफी सारा हमको हाँ जो होता ना पंच डायलॉग सब होता है जो बोलने के लिए वो डायलॉग सब होगा और मुझे डायलॉग जितना सुना अच्छा ही लगा अच्छा ही था अच्छा ही है वही बोल रहा हूँ पंच वाला जो चाहिए हल्ला करने के लिए वैसा अलग है और जो सूर्यवंशी में था जब वो सिम्बा आता है उसका और अक्षय कुमार का जो जोड़ी कॉमेडी चल रहा है इसमें भी कोई चल रहा है उनका दोनों का कॉमेडी सब देखने मिलेगा मजा आएगा और भी है कि फर्स्ट टाइम मुझे लगता है वो कॉप का रोल में कॉमेडी कॉप का रोल में पहली बार लेडी सिंघम फाइटिंग करते हुए दिखेगी हां वो कॉमेडी टाइप था उसका वो देखने सीरियस वाला नहीं है कैरेक्टर वो देखने के कैसा है ना मजा है दोस्तों फुल टू मेरे हिसाब से जितना अभी दिखाया यहीं से तो दिवाली ब्लॉकबस्टर तो लग ही रहा है जितना दिखाया अगर वैसे ही अगर दिखा दिया सीक्वेंस ही तो कंफर्म दिवाली ब्लॉकबस्टर जाने वाला मजा आएगा देखने के लिए हल्ला होगा थिएटर में है ना रोहित सर भी मुझे लगता है फाइनली बैक है उनका जो लास्ट सर्कस हिट नहीं हुआ था लास्ट वाला अभी मुझे लगता है फिर से उनको ब्लॉकबस्टर मिलेगा ही मिलेगा है ना मजा है दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फिर तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय।